खुली किताब के पन्ने उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिल पलटते रहते हैं। दोस्तों, जितना प्यारा ये शेर है उतनी ही सुंदर आज की हमारी मंजिल भी है। मगर बीते कुछ दौर से इस देश की खुशियों पर बड़ा सा ग्रहण लग रखा है जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, आप ही अंदाजा लगाइए कि आखिर वो इस दुनिया का कौन सा देश है जहां इस्लामिक राज होने के बावजूद भी लड़कियां बीचों पर खुलेआम बिकनीज और न्यूड वियर्स पहनकर घूम सकती हैं। चलिए छोड़िए, आप हमें उस देश का नाम बताइए जहां ये मोहतरमा रहती हैं। वेल, हाँ, यहीं से बिलोंग करती हैं मियां खलीफा। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में से एक छोटे से लिबरल इस्लामिक मुल्क लेनोन की। तो आइए अब आगे जरा भी विलंब किए आज के इस सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, लेबनान, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ लेबनान के नाम से भी जाना जाता है, असल में वो वेस्टर्न एशिया में बसा एक देश है। ये देश कुल दो पड़ोसियों उत्तर व पूरब से सीरिया एवं इजराइल और पश्चिम भाग से पूरी तरह भूमध्य सागर से घिरा है। बात करें अगर इस देश से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर, तो ये देश कुल 10,452 किलोमीटर स्क्वायर के लैंड एरिया के साथ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लिस्ट में 165वें नंबर पर रैंक करता है। तो वहीं दूसरी ओर जब पॉपुलेशन की बात आती है तो ये रैंक कुछ सुधर कर ऊपर 109वें नंबर पर आ जाती है, क्योंकि यहाँ इन टोटल 68,25,445 जन के करीब रिहायशी आबादी निवास करती है, जिसमें की पॉपुलेशन का मेजोरिटी 55% भाग मोमडेंस का है। मगर यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये देश ऑफिशियली एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। वेल, लेबनान देश की राजधानी बैरूत है, साथ ही यहाँ बतौर करेंसी लेबनेंस पाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। देश में चल रहे खराब हालातों और पस्त पड़ी हुई अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ की करेंसी की वैल्यू काफी डिग्रेड हो गई है। मसलन इस वक्त एक हिंदुस्तानी रुपए की ही कीमत पूरे 20 लेबनान पाउंड के करीब आ पहुंची है, जो वाकई एक अच्छा संकेत तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी कुछ वक्त के लिए ही सही, मगर मुद्रा के फेर बदल की परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको लेबनान देश में घूमने फिरने से जुड़े कुछ हैरान हकायकों का मुआयना कराते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ यूनिक बातों की। दोस्तों, वैसे तो अक्सर दुनिया भर में ये देखा गया है कि जिन देशों में इस्लामिक राज कायम होता है वहाँ मौज मस्ती सेक्स और सवाब हर चीज पर पाबंदियाँ होती हैं। मगर जनाब, लेबनान में ऐसा कोई सीन ही नहीं है। आप चाहें तो यहाँ अपने घरों में किराए के घोड़े बुलाकर अपने साथ कुची कुची खेल या बीच के किनारे नंगे होकर लेट जाएं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। वेल, तभी तो लेबनान को एक लिबरल इस्लामिक देश भी माना जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको लेबनान देश से जुड़े कुछ जाने अनजाने और मजेदार फैक्ट्स बताते हैं। वेल, ये सभी फैक्ट्स लेबनान देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में काफी ज्ञान देने वाले हैं, और इन्हें देखने पर वाकई आपको ढेर सारा ज्ञान तो मिलेगा ही और आपके लेबनान ट्रिप के मजे भी दुगने हो जाएंगे। फैक्ट नंबर एक, दोस्तों, लेबनान मिडल ईस्ट एशिया में बसी सभी गल्फ कंट्रीज में सबसे पुराना देश है। इतिहासकारों की माने तो लेबनान का अस्तित्व 7,000 सालों पुराना है। उस दौर में लेबनान में वहाँ की स्थानीय सभ्यताएं निवास करती थी, जिनका व्यापार पश्चिम में बसे सिर्फ यूरोपीय देशों में था। और तो और, इस देश के नाम से संबंधित जानकारी के हवाले से पिछले 3,000 सालों में इस देश के नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो इस देश का नाम ईसा के प्रारंभ से था वही आज भी है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों, लेबनान आज के दौर के उन चंद मुस्लिम मुमलिकों में से एक है
जिनका कई दफा ईसाइयों की पवित्र किताब होली बाइबल में जिक्र हुआ है। जी हाँ, बाइबल में कुल 70 बार अलग अलग प्रसंगों में लेबनान शब्द का इस्तेमाल खाड़ी के इलाके में बसे एक खास इलाके को दर्शाने के लिए किया गया है। साथ ही आपको बता दें, रोमन साम्राज्य के दौर में लेबनान भी एक मुख्य ईसाई केंद्र था, जहां आमतौर पर ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक गतिविधियां और तीर्थाटन चलता रहता था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों लेबनान की राजधानी बैरूत वास्तव में एक बेहद ही अहम ऐतिहासिक मूल्यों वाला शहर है। यहां एक से बढ़कर एक हेरिटेज साइट्स और स्कल्पचर्स तो पाए गए ही हैं, साथ ही इतिहास में 7 बार इस शहर ने किसी न किसी कारण से त्रासदी का सामना किया, मगर 7 की 7 बार इस शहर को दोबारा बसाया गया। और मजे की बात तो ये है कि इस शहर 8वीं बार यानी एक बार दोबारा तबाह हो चुका है। जी हाँ, बीते साल राजधानी बैरूत में हुए बारूद विस्फोट के चलते भारी जान माल का नुकसान हुआ है। साथ ही आज ये देश इस त्रासदी के चलते भयंकर तबाही के साथ ही गृह युद्ध की स्थिति के बीच भी फंसा है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इस बार भी उजड़ने के बाद ये गुलमोहर दोबारा कायम हो सकेगा या नहीं। वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एज एक्सपेक्टेड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी यानी लोकशाही का आगाज बहुत देर से हुआ, मगर वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए, और इसी दुरुस्त का तमंगा जाता है लेबनान के सर। लेबनान ही वह पहला खाड़ी देश था जहां डेमोक्रेसी रूल यानी जनतांत्रिक शासन लागू हुआ था, और साथ ही लेबनान ही वो पहला इस्लामिक राष्ट्र भी था जिसने असल में एक अमली और लिखित संविधान को लागू किया था। फाइनली दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के इस अंत पर, जहां आप जानेंगे इस कंट्री की कुछ बेहद ही रोमांचक और मजेदार टूरिस्ट स्पोर्ट्स जिन्हें मिस करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो देखना जारी रखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके हित में जारी है। यहाँ नंबर 1, बैरूत। दोस्तों भले ही हाल ही में हुए बारूद धमाके के कारण आज इस शहर की सूरत बिगड़ गई हो, मगर एक वक्त पर ये भी गुलजार था। यहाँ के शानदार सी लिंक्स और मरीन ड्राइव्स देखने के फरंगी भी बड़े शौकीन थे, मगर आज यहाँ तबाही से पैदा हुए जख्मों को ढकने का कार्य प्रगति पर है। नंबर 2, बायब्लॉस। दोस्तों एंसेंट हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला ये शहर बेहद ही प्राचीन रंस और किलों का गढ़ है। अगर आप सीरियसली एंसेंट आर्किटेक्चर और रोमन आर्ट्स को देखना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये शहर आप ही का इंतजार कर रहा है। नंबर 3, बेक्वा वैली। पहाड़ों के बीच मौजूद ये खुशनुमा वादी ना जाने कितने ही रोमांचक एहसास छिपाए बैठी है। वेल, इस स्थान की अपनी ही एक अलग असमत है। आप अगर जा रहे हैं तो यहाँ भी जरूर जाएं। तो दोस्तों आज के इस कंट्री फैक्ट वीडियो में बस केवल यही तक। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।